हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एजुकेयर साइंस सॉल्यूशंस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम इम्पॉर्टेंट लेग्यूम क्रॉप्स ऑफ इंडिया दिस टॉपिक इज़ द पार्ट ऑफ बीएससी एस थर्ड ईयर बॉटनी सिलेबस ऑल लेग्यूम्स बिलोंग टू द फैमिली फेबेसी आप जानते होंगे जितनी भी पल्सेस या दालें होती हैं वो सब फेबेसी फैमिली या आप लोग लेगुमिनेसी के नाम से भी जानते होंगे तो ये सारी जो लेग्यूम्स होती हैं वो फेबेसी या लेगमिनेसी फैमिली को बिलोंग करती हैं लेग्यूम्स जो है वो प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इस्पेशली जो वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनकी डाइट में एक प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो लेग्यूम्स होते हैं लेग्यूम्स एंशियन टाइम से कल्टिवेट हो रहे हैं जिसमें से इवन न्योलिथिक साइट से जो है कुछ पल्सेस के रिमेंस भी पाए गए हैं जिसमें पाइसियम वीशिया एंड लेंस इंक्लूडेड हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो टोटल एरिया है अंडर द फूड ग्रेन क्रॉप्स उसका ट्वेंटी परसेंट जो है वो लेग्यूम्स कवर करती हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र एंड बिहार दीज आर द मेजर लेग्यूम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ईयर टू थाउजेंड इलेवन टवेल्व देर वॉज अबाउट सेवनटीन पॉइंट टू मिलियन टन प्रोडक्शन ऑफ लेग्यूम्स एंड द एरिया अंडर अंडर द लेग्यूम क्रॉप कल्टिवेशन वॉज अबाउट ट्वेंटी फोर पॉइंट एट मिलियन हैक्टेयर्स

आपने अगर देखा होगा पिजन पी तो एनवल या पेरेनियल श्रब है हाइट जो है वो जीरो पॉइंट सिक्स से लेके थ्री मीटर के बीच होती है लीव्स आर स्टिपलेट स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में एंड ट्राईफोलियट लीव्स होती हैं फ्लावर्स आर येलो और पर्पल फ्लावर्स जो होते हैं वो येलो या पर्पल कलर के होते हैं एक्सिलरी कोरम्बोस रेसीम इनफ्लोरिस होता है और ये टर्मिनल पैनिकल फॉर्म करते हैं पॉट्स की बात करें यानी जो फलियाँ होती हैं वो फ़ाइव टू टेन सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं एंड कंस्ट्रिक्टेड ऑब्लिकली बिटवीन द सीड्स दो सीड्स के बीच में स्मॉल कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं यानी कि थोड़ी सी दबी हुई होती हैं दो सीड्स के बीच में इसके अलावा जो सीड्स होते हैं उनका जो सीड कोट होता है वो डार्क चॉकलेट रेड कलर का होता है सीड्स का जो कवर होता है एंड द कॉटली आर लाइट टू डीप येलो इन कलर इसीलिए जो हम अरहर की दाल देखते हैं या पल्स देखते हैं वो येलो कलर की होती है वो एक्चुअली कॉटली होते हैं जो सीड कोट होता है वो डार्क चॉकलेट रेड कलर का होता है आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारी पल्स है यानी कि कॉटली डेंस है जिसको हम एज अ पल्स एज अ दाल यूज करते हैं तो ये येलो कलर के होते हैं जबकि जो सीड होता है उसका uh, क्योंकि उस पर कवर होता है सीड कोट होता है जो कि रेडिश चॉकलेट रेड कलर का होता है यहाँ पे पॉट्स आप देख सकते हैं मैंने बताया ना पॉट्स जो है उसमें कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं फिगर में कि यहाँ पे पॉट्स में कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट है दिस इज द प्लांट ऑफ पिजन पी यूज की बात करें तो मोस्टली एज ए पल्स यूज़ किया जाता है Uh, क्योंकि हम पल्सेस की बात कर रहे हैं लेग्यूम्स की बात कर रहे हैं तो पल्स तो की तरह तो यूज़ होगा ही इसके अलावा ग्रीन लीव्स जो हैं वो एक एक्सीलेंट फूडर का भी काम करते हैं कैटल को फीड करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं एंड ऑल्सो यूज एज अ ग्रीन मैन्य अगर आप अगर थ्योरी का पेपर हो तो उसमें आप सभी लेग्यूम्स में ये दो पॉइंट लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है लेग्यूम्स हैं पल्स हैं तो एज अ पल्स तो यूज़ होंगी ही इसके अलावा जो ग्रीन लीव्स होती हैं या प्लांट के स्टॉक्स वगैरह होती हैं वो सब एज अ फूड कैटल्स वगैरह को फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है इनका ड्राइड स्टॉक्स अगर पिजन पी की जो ड्राइड स्टॉक्स होंगे आपने देखा होगा कि विलेजेस वगैरह में जो है इनको बास्केट्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं और बर्न करके एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं इन लीव्स आर यूज फॉर रेयरिंग द सिल्क जो लीव्स होती हैं पिजन पी की वो मेडागास्कर में आ, सिल्क वॉम यानी जो रेशम का कीड़ा होता है उसको आ, जो है दी जाती हैं एज ए फूड इसके अलावा जो मेडिशनली मेडिशनल यूज़ की बात करें तो यंग लीवस जो हैं वो शोर्स वग़ैरह में या जो आ, लीव जूस होता है उसमें नमक वगैरह मिला के जॉन्डिस के पेशेंट्स को दिया जाता है और जो लीव uh, डिकॉक्शन होता है वो जेनाइटल या स्किन इडिटेशंस में हेल्प करता है स्किन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ेज़ होती हैं उनमें इसके अलावा जो फ्लो फ्लोरल डिकॉक्शन होता है वो ब्रोंकाइटिस कफ या निमोनिया में भी यूजफुल होता है इम्प्रूव वेराइटीज़ की बात करें तो आर जी सेवन टू फोर थ्री फोर फोर सेवन सिक्स पी डी एम वन एस टी वन विजयपुर फोर नाइन ग्वालियर थ्री हाइब्रिड क्रॉस एट सिक्स एंड को फाइव दिज आर समराइटीज ऑफ पीजें अलावा और भी कई सारी वेराइटीज हैं ग्राम और द चिकी साइंटिफिक नेम इज साइसर एरेटिनम वर्नाकुलर नेम चना चना आपने देखा ही होगा नेटिव प्लेस जो है वो साउथ वेस्ट एशिया है शोइंग टाइम जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है एंड हार्वेस्टिंग टाइम इज बिटवीन फेब एंड मार्च अगर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हाईली ब्रांच्ड एनवल हर्ब होता है बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है प्लांट में हाइट ज़्यादा नहीं होती ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी सेंटीमीटर के बीच होता है और जो लीव्स होती हैं वो इमपेरिपिनेटली कंपाउंड होती है मीन्स कंपाउंड है। लीव हैं लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं इमपेरिपिनेटली मीन्स जो लीफलेट्स हैं वो ऑट नंबर में प्रेजेंट होंगी अगर पेरीपिनेटली कंपाउंड होता है तो इवन नंबर में इसमें क्या होता है ऑट नंबर ऑफ़ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं नाइन टू फिफ्टीन पेयर्स नाइन टू फिफ्टीन पेयर्स होते हैं लीफलेट्स के इसके अलावा एक जो है एक एक्स्ट्रा लीफ प्रेजेंट होती है तो इसलिए ये पेरीपिनेटली कंपाउंड होते हैं इसके अलावा जो प्लांट है वो ग्लैंडुलर हेयर्स से कवर होता है जो कि ऑक्सैलिक और मैलिक एसिड सेक्रेट करते हैं अगर आपने कभी चने का आ, प्लांट देखा होगा चने का पौधा देखा होगा तो उसमें जो है स्टेम पे और लीव्स पे सब पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो वाइट या पिंकिश हल्का सा पर्पलिश कलर के होते हैं यूजली सिंगल ही निकलते हैं और गुच्छे में नहीं निकल के सिंगल एक फ्लावर निकलता है एक जगह से एक एपेक्स से इसके अलावा जो फ्रूट होता है वो इन्फ्लेटेड पॉट्स होते हैं पॉट्स जो होते हैं थोड़े चपटे हुए होते हैं इनकी जो फलियाँ होती हैं थोड़ी चपटी हुई होती हैं और यूजुअली एक पॉड में एक या दो ही सीड्स होते हैं सीड्स रिंकल्ड या स्मूथ वो वैरायटी पे डिपेंड करते हैं सीड्स रिंकल्ड भी हो सकते हैं या स्मूथ भी होते हैं कुछ वैराइटीज़ के सीड्स जो हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं जबकि कुछ के बहुत ज़्यादा रिंकल्ड होते हैं Cotyledons की बात करें तो थे येलो कलर के होते हैं आपने देखा ही होगा चने की दाल येलो कलर की होती है इन द फिगर यू कैन सी दे सॉरी दिस वन दाल आपने देखी होगी ये होते हैं चने के एक्चुअल में ये कुछ ऐसा होता है थोड़ी सी बीक सी निकली होती है सीड में और लीव यहाँ पे आप देख सकते हैं इम पैरिपिनेटली कंपाउंड है दोनों तरफ लीफलेट्स हैं और एपेक्स uh, पे एक लीव एक्स्ट्रा एक है यानी कि लीफलेट्स जो हैं उनका नंबर जो है वो ऑड होता है और इसके अलावा जो ये पॉट्स आप देख ही सकते हैं आ, ये जो है थोड़ा सा इन्फ्लेटेड होते हैं तो ये है ग्राम यानी चिक का प्लांट यूजर्स की बात करें तो चिक पी जो है हाईली न्यूट्रीटिव होता है और हाईली रिच प्रोटीन सोर्स होता है साथ और साथ ही जो है स्टार्ची डाइट भी प्रोवाइड कराता है सीड्स जो हैं वो एज ए पल्स कंज्यूम होते हैं मैंने बोला ये कॉमन पॉइंट है सभी पल्स में यूज़ हो सकते हैं सभी मतलब पल्सेस के लिए ये पॉइंट आप लिख सकते हैं चने को आप रोस्ट करके भी भून के भी खाते होंगे आपने दे देखा होगा भुने हुए चने मार्केट में इजली अवेलेबल uh, होते हैं तो एक तो ये यूज़ हो गया कि भून के रोस्ट करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा जो फ्लोर होता है यानी कि चने का जो आटा होता है यानी बेसन जिसे आप कहते हैं उसको भी जो है अलग अलग डिशेस में यूज़ किया जा सकता है इसके अलावा जो एक ट्रेडिशनल विनिंग फूड होता है सत्तू अगर आप लोग विलेज वग़ैरह से बिलोंग करते हैं किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप लोग जानते होंगे गांव में अक्सर लोग जो है वो सत्तू का यूज़ करते हैं उसमें भी जो है ग्राम का यूज़ होता है और बच्चों की जो है जो हर ग्रुप के चिल्ड्रन चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक विलेज में सब लोग जो है सत्तू का सत्तू को कंज्यूम करते हैं इसके अलावा एथीरो स पेशेंट्स को जो है ग्राम प्रेफर किया जाता है क्योंकि हाईली रिच होता है फॉस्फोरस कंटेंट में आर्थी एथिरोस्क्लोरासिस में क्या होता है जो आर्टरीज होती हैं उसमें फैट डिपोजिशन की वजह से वो ब्लॉक हो जाती हैं तो इस जो फॉस्फोरस कंटेंट होता है वो उस फैट को डिजॉल्व करने में हेल्प करता है इसलिए एथिरोस्क्लोरासिस पेशेंट्स को भी ग्राम प्रेफर किया जा सकता है किया जाता है एक्चुअली इसके अलावा जो एक यूनानी मेडिसिन होती हैं उसमें एक यूनानी मेडिसिन है अजामूल हाइपर सेंसिटिव ड्रग है इसमें भी ग्राम का जो है यूज़ किया जाता है सीड्स जो हैं वो हॉर्स को फीड करने के लिए भी यूज़ होते हैं इसके अलावा लीव स्टॉक्स वगैरह जो है वो कैटल को फीड करने के लिए एज फूड आई यूज़ करते हैं ये भी एक कॉमन पॉइंट है सभी जो जितने भी लेग्यूम क्रॉप्स हैं उनमें इसके अलावा जो जर्मिनेटिंग ग्राम्स हैं वो प्रोफाइलेटिक अगेंस्ट द डिस हाँ ये पॉइंट आप लिख सकते हैं कि स्कर्वी के ट्रीटमेंट में भी ग्राम का यूज़ होता है इसके अलावा जो इम्प्रूव वैराइटीज़ हैं वो है को वन उज्जैन टू टू वन टू फोर गुलाब कदाले टू कॉमा थ्री राधे टी थ्री बी ई जी फोर एट टू ये कुछ इम्प्रूव वेरायटीज़ हैं ग्राम की और नेक्स्ट क्रॉप इज़ पी फील्ड पी साइंटिफिक नेम पाइसम सेटाइवम वर्नाकुलर नेम इज़ मटर मटर का पौधा आपने देखा होगा और ये जो है नेटिव प्लेस जो है इसकी वो है वेस्ट एशिया शोइंग जो है प्लेन एरियाज में एज अ विंटर क्रॉप इसे उगाया जाता है जबकि जो हिली एरियाज होते हैं उनमें एज अ समर क्रॉप इसका इसको शोन किया जाता है प्लान्ट है वो एक क्लाइंबिंग या ट्रेलिंग एनुअल हर्ब होता है आपने देखा ही होगा जो मटर का पौधा होता है वो एक क्लाइंबिंग या ट्रेलिंग एनुअल हर्ब होता है लीव्स जो है वो पिनेटली कंपाउंड होती हैं यानी कि पिनेटली कंपाउंड मैंने अभी बताया था कि पिनेटली एंड इम में क्या डिफरेंस होता है इमपेरी कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट्स होती हैं वो ऑड नंबर होती हैं जबकि पिनेटली कंपाउंड लीव्स में इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं एक और जो है कैरेक्टरिस्टिक है जो पी प्लांट की रिकॉग्नाइज करने के लिए वो है फोलिशियस स्टिप्यूल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, कैरेक्टर है बहुत कम प्लांट्स में पाया जाता है पर ये पी प्लांट में प्रेजेंट होता है फोलिशियस स्टिप्यूल्स uh, मतलब जो इनके स्टिप्यूल्स होते हैं वो लीफ लाइक -like होते हैं फोलिशियस मीन्स लीफ लीफ लाइक होते हैं फ्लैट होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं ईजली रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं इसके अलावा लीव्स जो है वो नॉर्मली थ्री पेयर्स ऑफ लीफलेट्स होती हैं पर लीव पे और जो टर्मिनल एरिया होता है वो ब्रांच फॉर्म करता है टेंड्रल्स फॉर्म करते हैं ये एक मॉडिफिकेशन है एक क्लाइंबिंग या ट्रेलिंग एनअल हर्ब होने की वजह से जो है लीव्स का मॉडिफ़िकेशन लीव्स जो हैं वो टेंड्रल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं और जो है किसी और वुड से या प्लांट से बाइंड करने में हेल्प करती हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है ईजली क्लाइंब कर सके फ्लावर्स जो हैं वो व्हाइट या पिंक कलर के होते हैं यूजुअली सिंगली ही बॉर्न होते हैं और जो एक्सिलरी काइम्स कभी कभी एक्सिलरी काइम्स फॉर्म करते हैं बंच में भी निकल आते हैं इसके अलावा जो पॉट्स होते हैं वो स्वेलन होते हैं सिक्स टू टेन सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड कंटेन यूजअली फ़ोर टू टेन सीड्स सीड्स जो हैं वो एंगुलर भी हो सकते हैं ग्लोबोज मोस्टली ग्लोबोज ही होते हैं पर कुछ वेराइटीज़ में एंगुलर सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा स्मूथ या रिंकल्ड मोस्टली स्मूथ ही होते हैं पर कुछ वेराइटीज रिंकल्ड भी होती हैं आपने पी देखा होगा पी जो है वो मैंडल्स के जो लॉ थे उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्लांट था उनका पूरा एक्सपेरिमेंट उस पर डिपेंड था तो कुछ उसमें स्मूथ या रिंकल्ड ही अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉड्स हैं ये ग्रीन पॉड है इसमें अनराइप सीड्स हैं इसके अलावा ये पल्स हैं क्योंकि काटली डेंस येल्लो होते हैं और ये सीड्स हैं राइप सीड्स हैं और ये प्लांट है आपको अगर देख रहा हो तो यहाँ पे टेंड्रल्स ये देखिए लीव्स जो हैं वो आगे टेंड्रल्स फॉर्म कर रही हैं मॉडिफाई मॉडिफिकेशन है ये लीव्स का यूजेस की बात करें तो पी जो है वो हाईली न्यूट्रिटिव होती है और इनमें जो है हाई प्रोटीन कंटेंट कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स एंड विटामिन प्रेजेंट होते हैं और एज अ एक्सिलेंट फूडा भी यूज़ किया जा सकता है आपको पहले बताया कॉमन पॉइंट्स हैं इसके अलावा एज अ वेजिटेबल जब अनराइफ फॉर्म में एज अ वेजिटेबल भी आपने मटर को देखा होगा हरी मटर आती है इस समय जो सर्दियों का सीज़न है उसमें ईजली जो है मटर जो है आ रही है इस समय ग्रीन पी उसके अलावा जो है सूप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है फ्रोजन आप इसको जो है फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं इसके अलावा डिहाइड्रेटेड फॉर्म यानी जो राइपन सीड होते हैं उनको डिहाइड्रेट करके भी स्टोर किया जा सकता है पी स्ट्रॉस जो हैं वो हाईली न्यूट्रिटिव फूडर होते हैं मतलब कैटल्स वगैरह को फीड करने के लिए यूज़ होते हैं इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पी ऑयल जो पी के जो कॉटलीटन्स होते हैं उनसे उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है थोड़ा बहुत ऑयल कंटेंट होता है उस ऑयल में एक इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है एमजाइलोहाइड्रोक्विनाइन ये जो है हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी तो इसको भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं इसके अलावा जो इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं पी के वो है लखनऊ बोनिया अलास्का लिटिल मार्बल खप्पर खेड़ा विक्टोरिया झलका बिग बैन अपर्णा अर्केल इसके अलावा और भी कई वैरायटीज़ हैं मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है जो इंडिया में मोस्टली कल्टीवेट होती हैं उनको मेंशन किया है और नेक्स्ट क्रॉप इज़ ग्रीन ग्राम और द गोल्डन ग्राम ये पल्स आप जानते होंगे मूंग और इसका जो नेटिव प्लेस है वो इंडिया ही है साइंटिफिक नेम इज़ विग्ना रेडियाटा शोइंग टाइम जो है जून से जुलाई के बीच में इसको शोन किया जाता है उगाया जाता है और एंड द हार्वेस्टिंग टाइम इज़ बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर प्लांट अ स्मॉल हर्ब होता है एनअल हर्ब होता है ग्रीन ग्राम और हाइट जो है वो लगभग फोर्टी फाइव टू वन ट्वेंटी सेंटीमीटर के uh, बीच में होती है लीव्स जो हैं वो स्टिपुलेट एंड ट्राईफोलिएट होती है इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं वो पर्पल या येलो कलर के होते हैं और यूजुअली जो है क्लस्टर्स फॉर्म करते हैं पेडेंकल एक्जिलेरी रेसिम्स मैच्योर पॉट्स जो हैं वो ग्रे या ब्राउन कलर के होते हैं जब अनराइप होते हैं तो एज ए वेजिटेबल यूज़ किए जाते हैं इसलिए वो जो ग्रीन कलर के होते हैं पर जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं और ग्रे और ब्राउन कलर के ग्रे या ब्राउन कलर के हो जाते हैं सीड का जो जो पॉट्स का साइज़ है वो लगभग फाइव टू टेन सेंटीमीटर लंबे होते हैं लॉन्ग होते हैं कंटेन अबाउट टेन टू फिफ्टीन स्मॉल ग्रीन सीड्स क्योंकि सीड कवर इनका जो सीड कोट होता है वो ग्रीन कलर का होता है इसीलिए इसे ग्रीन ग्राम भी कहते हैं noting, फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये कॉटलीडन्स है। थी। थी। you know हैं कॉटलीडन्स येलो कलर के ही होते हैं इनके इसीलिए हल्के से गोल्डन टाइप के तो इसीलिए गोल्डन ग्राम भी कहा जाता है और जो सीड कोट है वो ग्रीन कलर का होता है तो सीड्स जो हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए ग्रीन ग्राम कहते हैं ये फिगर आप प्लांट के देख सकते हैं यहाँ पर जो है ट्राई लीव्स प्रेजेंट होती हैं और पॉट्स भी देखिए थोड़े क्लस्टर्स में क्योंकि फ्लावर क्लस्टर्स में निकलते हैं तो पॉट्स भी क्लस्टर्स में निकलते हैं ये अनराइप पॉट्स हैं तो एज अ वेजिटेबल भी इनका यूज़ होते हैं लेकिन जब ये राइप हो जाते हैं तो ये हल्के से जो है ब्राउन या आ, ब्राउन टाइप के पर्पल टाइप के हो जाते हैं यूजर्स की बात करें तो ग्रीन ग्राम जो है वो एक तो हाईली प्राइज्ड पर्स है काफ़ी महंगी मिलती है इंडिया में और इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल यूज़ हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस काफ़ी हाई होता है टेंडर पॉड्स जो हैं वो एज़ ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं मैंने पहले ही बता दिया इसके अलावा जो रायपन सीड्स हैं वो एज ए पल्स यूज़ होती हैं और साथ ही कई सारे स्नैक्स में भी इनका यूज़ होता है मूंग की दा नमकीन वग़ैरह दालमोट मार्केट में काफ़ी आती है इसके अलावा स्प्राउट जो लोग डाइट वग़ैरह पे रहते हैं डाइटिंग करते हैं वो लोग स्प्राउटेड सीड्स जो है कंज्यूम करते हैं ग्रीन ग्राम के इसके अलावा जो मूंग है वो बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो बेबी फूड्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन सप्लीमेंट का काम करते हैं और जो है डिकॉक्शन जो है जो सीड्स का सीड डिकॉक्शन जो है वो हाईली रिच सीड्स जो हैं वो विटामिन बी रिच होते हैं इसलिए बैरी बैरी जो डिसऑर्डर होता है विटामिन बी की कमी से उसके ट्रीटमेंट में भी ग्रीन ग्राम का यूज़ होता है सीड्स की बात करें तो वर्टिगो पैरालसिस रूमेटिज़म और लीवर के डिसऑर्डर्स में भी इसका यूज़ होता है वर्टिगो आप जानते होंगे अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ नर्वस प्रॉब्लम की वजह से जिनको सिर के चक्कर वगैरह आते हैं वर्टिगो में उसके उसके लिए या पैरालिस जिनको पैरालिटिक अटैक्स वगैरह पड़े हों या पैरलिसिस पैरालिटिक पेशेंट्स होते हैं या रिमैटिस जिनको घुटनों या जोड़ों के दर्द वगैरह होते हैं उनके लिए इवन लीवर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी प्रेफर की जाती है ग्रीन ग्राम और इसके अलावा पॉली न्यूरा न्यूराइट गहली ये एक डिसऑर्डर होता है विटामिन बी की कमी से होता है ये भी नर्वस डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है ग्रीन ग्राम प्रेफर किया जाता है इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज ग्रीन ग्राम में प्रेजेंट होती हैं यानी कि ब्लड शुगर लेवल को लो करने की प्रॉपर्टी होती है ग्रीन ग्राम में तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी प्रेफर किया जाता है और साथ ही जो है एक्सलेंट फीड फॉर कैटल एंड हॉर्सेस कॉमन पॉइंट है इम्प्रूव वेराइटीज की बात करें तो कृष्णा वन वन जलगांव वन सेवन आर एस फोर एन पी टू थ्री पूषा पूषा वन जीरो वन पूा बैसाखी जवाहर फोर फाइव पी आई एम एस थ्री पी एस वन सिक्स पी एस वन जीरो एक्सेट्रा ये सब कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं नेक्स्ट इज़ ब्लैक ग्राम ब्लैक ग्राम साइंटिफिक नेम इज़ विग्ना मुंगो और फैशियोलस मुंगो वर्नाकुलर नेम उद हिंदी में आप जानते होंगे उरत की दाल आप सभी ने देखी होगी नेटिव प्लेसेस इंडिया दोनों ही ब्लैक ग्राम और गोल्डन सॉरी ब्लैक या गोल्डन ब्लैक ग्राम एंड गोल्डन ग्राम यानी कि ग्रीन ग्राम दोनों की ही नेटिव प्लेस जो है वो इंडिया ही है शोइंग की बात करें तो नदन स्टेट्स में ये एज ए खारिफ क्रॉप शोन uh, uh, की जाती है और एज ए राबी क्रॉप इन ईस्टर्न स्टेट्स हार्वेस्टिंग की बात करें तो थ्री टू फोर मंथ्स में जो है क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए रेडी होती है इसीलिए इसे फास्ट ग्रोइंग हर्बेशियस एनवल भी बोलते हैं ब्रांचिंग जो है प्रोकम्बेंट होती है और ट्राईफोलिएट लीव्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम एंड ब्रांच जो है वो आ, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें भी जो है हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रेडिश ब्राउन कलर के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं पूरे प्लांट पे इंक्लूडिंग द स्टेप लीव्स और जो है इसी वजह से जो प्लांट है वो उसमें वो वुली अपीरियंस देता है फ्लावर्स जो है वो स्मॉल होते हैं येलो होते हैं और यूजुअली जो है क्लस्टर में निकलते हैं फो फाइव टू तो सिक्स फ्लावर का बंच निकलता है क्लस्टर में फॉर्म करते हैं और जो पॉट्स होते हैं वो नैरो होते हैं पतले होते हैं लंबे सिलेंड्रिकल होते हैं फोर टू तो सिक्स सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट बीक प्रेजेंट होती है आपने अगर देखा होगा कभी ब्लैक राम का पॉड यानी जो फली होती है वो देखी होगी तो आगे से थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड होती है एकदम नुकीली सी होती है तो इसीलिए कहते हैं बीक फॉर्म करता है एपेक्स पे पॉट्स जो वो फोर टू टेन सीड्स हर पॉड में जो है फ़ोर टू टेन सीड्स प्रेजेंट होते हैं सीड्स जो है वो, uh, uh, वो थोड़े से ऑब्लॉग एंड ब्लैक कलर के होते हैं इवन जो, uh, जो ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम दोनों के सीड्स जो हैं वो शेप में सिमिलर ही होते हैं थोड़े से ऑबलोंग होते हैं और क्योंकि ब्लैक ग्राम है तो ये जो, जो है सीड्स जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं सीड कोट इनका ब्लैक होता है पर जो कॉटलेटन होता है वो वाइट कलर का होता है इसलिए जो पल्स होती है जो दाल होती है वो वाइट कलर की मिलती है आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारे जो सीड्स हैं ब्लैक ग्राम के और ये काटलीडन हैं यानी स्प्लिट करके इनको पल्स बना दी दाल की तरह जो यूज़ होते हैं ये सेपरेट कॉटले ड हैं ये प्लांट आप देख सकते हैं ट्राईफोलियट लीव्स इसमें भी प्रेजेंट होती हैं और क्योंकि फ्लावर जो है वो फाइव या सिक्स के क्लस्टर या बंच में निकलता है तो इसलिए पॉट्स भी जो है वो भी बंच में होती हैं क्लस्टर फॉर्म करते हैं ठीक है नेक्स्ट जो है इसके यूजर्स की बात करें तो एज अ पल्स तो यूज़ होगी ही इसके अलावा इनको स्प्लिट करके भी और होल सीड्स को भी कंज्यूम किया जा सकता है या तो बॉयल करके या रोस्ट करके इसके अलावा फ्लोर के Uh, इनको जो है ग्राउंड इंटू फ्लोर आटा बना के भी जो है डिशेस में यूज़ करते हैं जैसे केक ब्रेड से, के, से पॉलिश वगैरह में इसके अलावा आपने साउथ इंडियन डिशेस इडली या डोसा तो सुना ही होगा उसका ये एक मेन इंग्रेडिएंट है ब्लैक ग्राम इसके अलावा जो है इन स्नैक्स फ्राइड करके जो है सॉल्ट फ्राई फ्राइड करके सॉल्ट वग़ैरह ऐड करके एज ए स्नैक्स भी इसको कंज्यूम किया जा सकता है इसके अलावा पल्स जो है वो रिमैटिज़म इवन नर्वस और हिपैटिक डिसऑर्डर्स में भी इसको प्रेफर किया जा सकता है ब्लैक ग्राम को इसके अलावा जो ये हाइली यूज़फुल होती है ड्रॉपसी या सिफेल्जिया के पेशेंट्स में क्योंकि डायरेटिक होती है जिन जो स्वेलिंग्स वगैरह आ जाती हैं टिश्यूज़ में या हेड के पेंस वग़ैरह में उसके लिए भी वैसे पेशेंट्स को भी प्रेफर किया जा सकता है इसके अलावा कूलिंग एंड एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं इसीलिए फीवर में दिया जाता है क्या होता है जब आपको बुखार वग़ैरह आता है तो ऐसा लगता है कि आंखें बंद हो रही हैं खुल नहीं रही हैं बहुत पावर लगती है आँखों को खोलने में वो क्या होता है ना जब आ, आप आ, फीवर होता है तो मसल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सड हो जाती हैं तो क्योंकि ये एक एस्ट्रजेंट है कूलिंग एजेंट है तो ये क्या होता है कि टिश्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करता है जिसकी वजह से आप इजीली आँख खोल सकते हैं आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहे तो इसलिए ब्लैक ग्राम फीवर में भी प्रेफर किया जाता है रूट्स की बात करें तो प्लांट के जो रूट्स होती हैं वो हल आ, उसमें थोड़ा नारकोटिक होती हैं मतलब थोड़ी सी नशीली होती है इसलिए जो आ, बोन्स वगैरह के दर्द होते हैं पेन होते हैं हैंचिंग्स वगैरह होती हैं उसमें ये प्रेफर की जाती हैं रूट्स क्योंकि जैसे पेन को बियर करने के लिए इसके अलावा ब्लैक ग्राम जो है उसमें हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं यानी कि ब्लड शुगर लेवल को लो करता है तो इसलिए ब्लैक ग्राम जो है वो हाईली डायबिटिक पेशेंट्स को भी प्रीफर की जाती है स्ट्रा एंड आर यूज एज अ कैटल फॉर फीड कैटल फीड में भी ये तो कॉमन पॉइंट है मैंने पहले ही बताया जितनी भी यानी पल्सेस वगैरह होती हैं उनमें उनको उनके जो प्लांट या लीव्स वगैरह होती हैं उनको कैटल फीड के तरह एज अ फूड है यूज़ करते हैं कैटल फीड में प्लांट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर मोस्टली सभी लेगियों से जो है इस सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं पर ब्लैक क्राव में इजली मतलब मेन मेनली जो है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं बीजे थ्री सिक्स नाइन ए डी टी वन एस वन वन एस एट टू खरगाव थ्री टाइप टू सेवन 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 सिंधखेड़ा वन वन टी नाइन एक्सेट्रा नेक्स्ट uh, हमारी जो क्रॉप है वो है लेंटिल लेंटिल या लेंस क्यूलिनारिस ये जो है वर्नाकुलर नेम आप मसूर के नाम से भी जानते होंगे और एक बात और बता दूँ लेंस जो है वो uh, कुछ बहुत ही ओल्ड पल्स में से बिलोंग करती है मतलब ओल्ड क्रॉप्स ओल्ड वर्ल्ड स्पीशीज़ में भी लेंस इंक्लूड है इसके अलावा जो नेटिव प्लेस है वो है साउथ वेस्ट एशिया एंड मेडिटेरियन रीजन शोइंग टाइम जो है वो अक्टूबर दिसंबर के बीच होता है एंड हार्वेस्टिंग इज डन बिटवीन फेब एंड फेब एंड अप्रैल प्लांट जो है वो uh, उसमें बहुत कम ब्रांचिंग होती है इरेक्ट एंड एनअल हर्ब है ट्वेंटी फाइव टू फोर्टी सेंटीमीटर टॉल होता है लीव पिनेटली कंपाउंड होती है यूजुअली फाइव टू सेवन पेयर्स ऑफ ओवेट लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं और जो आ, अपर लीफलेट्स होती हैं वो टेंड्रल फॉर्म करती हैं यानी लीफ्स जो हैं आगे चल के मॉडिफाई हो जाती हैं एपेक्स पे और टेंड्रल फॉर्म करती हैं लीफलेट्स इसके अलावा जो वाइट या पिंक या हल्का सा ब्लूइश पर्पल फ्लावर आते हैं यूजुअली सिंगली निकलते हैं पर कभी कभी क्लस्टर्स में भी निकल आते हैं टू या थ्री के क्लस्टर में इसके अलावा जो पॉट्स होती हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं ऑबलोंग होते हैं थोड़े से कंप्रेस होते हैं चपटे हुए होते हैं एंड कंटेन यूजुअली टू सीट्स टू लेंस शेप्ड सीट्स कंटेन करते हैं लेंस आपने देखा होगा ना थोड़ा सा बॉर्डर्स पे थोड़ा चपटा होता है बीच में थोड़ा सा चौड़ा होता है तो ये जो सीड्स होते हैं लेस शेप्ड होते हैं सीड्स आर यूजुअली ब्राउन या ग्रे कलर के होते हैं आपने देखा होगा कभी जो मसूर का जो पूरा सीड देखा होगा जो खड़ी दाल आती है वो ब्राउन या ग्रे हल्का सा रेडिश कलर की होती है पर जो कॉटलीडन होते हैं वो डीप ऑरेंज कलर के होते हैं इसलिए आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये जो है हमारे सीड्स हैं जो सीड जिनमें सीड पोट प्रेजेंट है तो हल्का सा ब्राउनिश रेडिश टाइप है जबकि जो कॉटली रंस हैं वो हमारे ऑरेंज कलर के होते हैं इसलिए जो दाल आती है पल्स आती है वो हमारी ऑरेंज कलर की होती है पॉट्स आप देख सकते हैं काफ़ी कंप्रेस्ड होते हैं और इसमें यूजली सिंगल सीड्स होते जो है सिंगल सीड कंटेन करते हैं यहाँ पे आप प्लांट देख सकते हैं यहाँ पे टेंड्रल्स अगर आपको दिख रहा हो तो एपेक्स पे जो लीफलेट है वो टेंड्रल्स फॉर्म कर रही हैं यूजेस की बात करें तो मोस्ट न्यूट्रिटिव ऑफ ऑल पल्स सभी पल्सेस में से सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव होती हैं लेंस यानी कि लेंटिल सीड्स जो हैं वो हाईली रिच इन प्रोटीन प्रोटीन रिच होते हैं और ईज़िली डाइजेस्टेबल होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लेंटिल होते हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं अन डाइ पॉट्स को जो है एज अ ग्रीन वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है और सीड्स जो हैं वो सूप वगैरह में या पॉलिश प्रिपरेशन में भी यूज़ होते हैं इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या इंटेस्टाइनल एफ्लिक्शन जिनको भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको भी लेंस यानी कि लेंटिल की दाल या सूप बना के दिया जाता है क्योंकि ये इंटस्टाइनल uh, डिसडस में भी हेल्प uh, को uh, के मतलब ट्रीटमेंट में एज अ रेमेडी यूज़ होते हैं इट इज़ एम्प्लॉयड एज द सोर्स ऑफ कमर्शियल स्टार्च हाँ और इस्टार्च रिच भी होते हैं इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में स्टार्च के स्टार्च के सोर्स के रूप में भी लेंटिल का यूज़ किया जाता है हस्क इज़ यूज एज ए फीड फॉर लाइव स्टॉक एंड लीव स्टॉक एज अ फूडर बोथ एज ए ग्रीन फीड एंड हे ये आपने देखा होगा चारा जो बोलते हैं ना वो जो सुखा के काफ़ी समय मतलब जैसे ग्रीन जब लीव्स होती हैं और स्टेम्स वगैरह वो तो आ, ग्रीन फीड की तरह दी जाती इसके अलावा सुखा के जो है चारे में हेव भी दिया जाता है इसके अलावा लेंट चूनी यानी कि हस क्या ब्रोकन सीड्स वगैरह जो होते हैं वो प्रोटीन रिच होते हैं तो प्रोटीन सप्लीमेंट का भी काम करते हैं इम्प्रूव वेरायटीज़ की बात करें तो बी आर टू ज़ीरो टू फोर टू फाइव थ्री सेवन टी टी डॉट थ्री सिक्स पुषा हाइब्रिड वन डब्लू वी एट वन एक्सेट्रा ये कुछ इंप्रूव वेराइटीज़ हैं लेंस की या लेंटिल की और नेक्स्ट क्रॉप इज फ्रेंच ब्रीन या किडनी बीन साइंटिफिक नेम है स्पेशियोलस वुलगेरिस वर्नाकुलर नेम राजमा आपने देखा होगा राजमा या किडनी बीन नेटिव प्लेस जो है वो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है शोइंग टाइम दो सीजन्स में उगाई जाती है या तो जुलाई से सितंबर के बीच या जनवरी से फेब के बीच क्रॉप जो है वो उसको मेचोर होने में लगभग वन ट्वेंटी टू वन थर्टी डेज लगते हैं प्लांट जो है वो यूजली लो इडेक्ट एंड ट्विनिंग एनवल ट्राईफोलियट एनवल एक एनअल प्लांट है और ट्राईफोलियट लीव्स प्रेजेंट होते हैं फ्लार्स आर अरेंज इन लेग्स फ्यू फ्लार एक्जेलरी रसीम इन फ्लोरिस जो है वो एक्जेलरी रसीम कभी कभी फॉर्म करता है नहीं तो लेक्स फॉर्म में ही रहता है पॉट्स जो है वो नॉर्मली येलो या ग्रीन कलर के होते हैं और एट टू ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और इनमें भी बीक प्रेजेंट होती है पॉट्स में और जो पॉट्स होते हैं उनमें लगभग फोर टू सिक्स सीड्स कंटेन होते हैं आ, हर पॉड में सीड्स आपने देखे होंगे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि किडनी बीन है तो सीड्स जो हैं वो किडनी शेप के ही होते हैं ऑबलोंग होते हैं थोड़े कभी कभी ग्लोबुलर भी होते हैं और कलर जो है वो वेरी करता है कुछ वेराइटीज़ में ब्राउन होता है किसी में रेड होता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है सीड्स के कलर में यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये किडनी बीन्स यानी कि सीड्स हैं और यहाँ पे ये पॉट्स आप देख सकते हैं इसके अलावा लीव्स भी यहाँ पर जो है दिख रही सिंपल है सिंपल लीव्स प्रेजेंट होती हैं यूजर्स की बात करें तो फ्रेंच वीन जो है वो यूजली एज अ वेजिटेबल जब ग्रीन होता है अनशेल्ड कंडीशन में एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं और आफ्टर शेलिंग जब ये टाइट हो जाते हैं राइट हो जाते हैं टाइट होने लगते हैं तो एज अ जो है पल्स यूज किए जाते हैं राइट बीनस आर हाईली न्यूट्रेटिव हाईली न्यूट्रेटिव होते हैं और इवन इनका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो मीट से काफ़ी सिमिलर होता है तो इसलिए जो है वेजिटेरियन जो लोग एनिमल फूड कंज्यूम नहीं करते उनके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का काम करते हैं ग्रीन पॉट शेल्स आर यूज्ड एज अ डायोरटिंग एंड स्पेशली इन द हार्ट एंड किडनी ट्रबल्स जिनको भी हार्ट या किडनी की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी फ्रेंच बीन प्रेफर किया जाता है द स्ट्रॉ इज़ यूज एज अ केटल फीड एंड द लीव्स एज़ अ पॉट हर्ब Uh, जो ये तो कॉमन पॉइंट है एज अ फूड एंड फूड यूज़ किया जाता है इम्प्रूव वेरायटीज़ की बात करें तो पूषा पार्वती अर्का कोमल कैंटुची वर एच यू आर एट सेवन पी डी आर वन फोर वी एल सिक्स थ्री एंड एच यू आर वन फाइव एक्सेट्रा ये कुछ इम्प्रूव वेरायटीज़ हैं फ्रेंच बीन की नेक्स्ट क्रॉप इज काउ पी साइंटिफिक नेम इज़ विग्ना अंगटा या विग्ना साइनसिस वर्नाकुलर नेम लोभिया जानते होंगे और नेटिव प्लेस है सेंट्रल अफ्रीका शोइंग टाइम एज ए खारिफ क्रॉप इसको शोन किया जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज डन आफ्टर विद इन द थ्री मंथ तीन मंथ में काफ़ी जल्दी आ, जो है फास्ट ग्रोइंग ये मतलब पल्स है प्लांट जो है वो लो ग्रोइंग विग्रेसली बुशिंग या ट्रेलिंग एनुअल हर्ब होता है जीरो टू नाइन जीरो पॉइंट नाइन टू वन पॉइंट फाइव मीटर हाइट होती है प्लांट की लीव्स जो हैं वो यूजुअली ट्राईफोलिएट होते हैं और लीफलेट्स आर कॉर्डेट एंड डार्क ग्रीन ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लीव्स जो है सिंपल लीव्स होती हैं कॉर्डेट शेप की होती हैं एंड डार्क ग्रीन कलर की होती हैं फ्लावर्स जो हैं वो यूजुअली वाइट पिंक या लाइट ब्लू कलर के होते हैं एंड अरेंज्ड इन अल्टरनेट पेयर्स और क्लस्टर नियर द टिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिलरी पेडेंकल इनका जो इन्फ्लोरेसेंस uh, होता है वो एक्सिलरी पेडेंकल होता है और फ्लावर्स जो हैं वो क्लस्टर में ही निकलते हैं और अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है अल्टरनेट पेयर्स का के फॉर्म में अरेंज होते हैं पॉट्स जो हैं यानी कि जो फलियाँ होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं सम वॉट कंस्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड्स जो दो सीड्स के बीच का एरिया है जो थोड़ा सा दबा हुआ होता है इसलिए कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं पॉट्स में सीड्स आर ग्लोब ग्लोबुलर और किडनी शेप्ड इनके सीड्स भी थोड़े थोड़े किडनी शेप के ही होते हैं जैसे कि किडनी बीन्स के होते हैं एंड स्मूथ और रिंकल्ड अलग अलग वेराइटीज़ पे डिपेंड करता है कुछ वेराइटीज़ में स्मूथ सीड्स होते हैं कुछ में रिंकल्ड कलर भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेरायटी फिगर में आप देख सकते हैं यह पूरा एक फार्म में दिखाया गया है पूरा प्लांट्स जो हैं यहाँ पर वालियाँ आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं और ये सीड्स हैं किडनी शेप्ड के होते हैं ये भी कुछ ग्लोबलर भी होते हैं और कुछ में किडनी शेप्ड होते हैं कलर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू वेरायटी यूजर्स की बात करें तो राइप सीड्स जो हैं वो बॉयल करके ईट करके मतलब बॉयल करके भी यूज़ करते हैं इसके अलावा स्प्लिट करके एज ए पल्स भी इनका यूज़ होता है ग्रीन सीड्स आर यूज जब ये कच्चे होते हैं अनराइब्ड फॉर्म में होते हैं तो फलियों को एज ए वेजिटेबल लोबिया तो आप खाते ही होंगे एज ए वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं सीड्स जो है उनको पाउडर फॉर्म में यानी उसका फ्लोर बना के जो है आ, स्वीट मीट्स या केक्स या फॉर में इसका यूज़ होता है इसके अलावा फ्लोर का जो है ईस्ट ब्रेड या बिस्किट कुकीज़ बटर या डोनट्स वग़ैरह में भी इसका यूज़ होता है इसके अलावा वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से बीफ की जो है बीफ में इसको अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बीफ की बढ़ जाए इसके अलावा फर्मेंटेड फ्लोर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है जो सूप्स वगैरह होते हैं उसमें भी इसका फ्लोर ऐड किया जाता है क्योंकि काफ़ी रिच होता है अमिनो एसिड एंड रैबोफ्लेविन कंटेंट में इसमें साथ ही जो है स्टार्च ऑपटेंड होता है काउ पीस से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में या कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है काऊपी इज़ एंटीबाइल एंड एंड इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन हिबैटिक ट्रबल्स एंड जॉन्डिस जो लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर या जॉन्डिस वगैरह होता है उसमें भी काउपी प्रीफर काउपी के सीड्स वगैरह प्रेफर किए जाते हैं इसके अलावा जो है स्टेरॉयडल uh, हॉर्मोन की प्रिपरेशन uh, में भी इसका यूज़ किया जाता है इम्प्रूव uh, वैराइटीज़ की बात करें तो पूषा कोमल पूषा बरसाती पोषा फाल्गुनी पोषा दो फास्टली सी वन फाइव टू वी वन सिक्स एस फोर एट एट वी टू सेवन टू एक्सेट्रा ये कुछ इम्प्रूव वाइटीज़ हैं थैंक यू आई होप यू लाइक द वीडियो इवन आप लोग जो है इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियो जो है वो बी एस सी लेवल के लिए एक मतलब पूरा कम्प्लीट टॉपिक है तो आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं और हो सकता है कि मैं अगले कुछ और जो प्लांट रिसोर्सेज वाले पेपर हैं उसके कुछ और टॉपिक्स भी चैनल पे शेयर करूं थैंक यू